लॉर्ड, पिछले 30 सालों से मिस्टर ज्ञान प्रकाश इंसाफ के इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकते आए हैं, इस देवी के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाते आए हैं, क्योंकि ये अब तक हर मुकदमा जीतते आए हैं। लेकिन आज जब पहली बार इन्हें शिकस्त की हल्की सी झलक दिखाई दी तो ये बौखला गए। इंसाफ के इस मंदिर से इनका विश्वास उठ गया, इस देवी में इनकी श्रद्धा टूट गई और इन्होंने अपने हाथों में इंसाफ के तराजू की जगह दौलत की तलवार उठा ली। मेरी मुवक्किल माला को इस दुनिया से उठाने का फैसला कर लिया, उस पर कातिलाना हमला करवाया। अगर यकीन नहीं आता मिलॉर्ड तो आप खुद ही देख लीजिए माला के जिस्म पर पड़े हुए जख्मों के ये निशान। मैं अपने फाजिल दोस्त से यह पूछना चाहूंगा कि अगर इस मुकदमे का फैसला अदालत के बाहर ही करना था तो इस अदालत में आने का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है? जब इन मासूम बच्चों के बयान के बगैर इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है तो फिर इन्हें क्यों बुलाया गया है? अगर ताकतवर अपनी ताकत के जोर पर ही मुकदमे का फैसला करवा सकता है तो यह अदालत क्यों बनाई गई है? अगर गरीब और बेबस को इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो बंद कर दीजिए यह अदालत। रुक जाइए जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। अगर मुकदमा ये वकील साहब जीत गए तो इन्हें ढेर सारे नोट मिलेंगे और इनका मौकिल छूट जाएगा, और अगर ये वकील साहब जीत गए तो इस आदमी को 7 साल की सजा हो जाएगी। दोनों ही सूरतों में मुझे क्या मिला? कानून ने मेरे साथ क्या इंसाफ किया? जो इंसान कानून की मर्यादा को तोड़ता है कानून ही उसे सजा देता है। मर्यादा मेरी तोड़ी गई है कानून की नहीं, इज्जत मेरी लुटी है कानून की नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या मैं माथे पे लगे इस कलंक के साथ जी सकूंगी? कौन थामेगा मेरा हाथ? कौन भरेगा मेरी मांग में सिंदूर? किसके नाम का मंगलसूत्र मैं पहनूंगी अपने गले में? अरे इस देश में तो सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा के बाद माफ नहीं किया गया था, फिर मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। हर लड़की बचपन से एक ख्वाब देखती है, एक दिन उसकी बारात आएगी, उसका राजा घोड़े पे सवार होकर उसे ब्याह कर डोली में ले जाएगा, पर मेरा ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया। क्या मेरी बारात कभी नहीं आएगी? क्या मेरा राजा अब कभी नहीं आएगा? जज साहब, क्या मैं बिन भी आई रह जाऊंगी? क्या मैं बिन भी आई रह जाऊंगी? अपने आप को दादा कहते हैं, सारा शहर कांपता है इनसे, मगर एक मामूली सी लौंडिया को खत्म नहीं कर पाए। अरे लानत है तुम पे और तुम्हारे आदमियों पे। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? Get the hell out of here, you stupid asshole! कौन है वहां? सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। तुम किस किस को गोली मारेंगे साहब? एक गुनाह को छुपाने के लिए और कितने गुनाह करेंगे? पूरा शहर तुम्हारे नाम पर थूक रहा है, पूरे शहर को मिटाएंगे। साहब इंसानी बने रहना, भगवान बनने की कोशिश मत करना, वरना वो ऐसा मिटा देगा कि ना तुम जी सकोगे ना ही मर सकोगे। तुम्हारी ये मजार कि हमारे सामने जबान खोलो? 40 साल लगे साहब, 40 साल तब जाके जबान खुली है। पैसों से बहुत बड़े हो गए लेकिन इंसान छोटे रह गए। कौशल्या, तुम्हें तमीज नहीं मालिक से कैसे बात की जाती है? तुम तमीज सिखाओगी मुझे, जिसने तुम्हारे मर्द को पैजामे का नाड़ा बांधना सिखाया है? अरे बहू, जब घर में आग लगी हो तो पानी डालकर उसे बुझाया जाता है, लेकिन तुम उस आग में तेल डाल रही हो। अगर इसी रफ्तार से तेल डालती रही तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ हवेली नहीं शमशान घाट होगा। इनफ इज इनफ नमक हराम, दफा हो जाए यहाँ से, और खबरदार जो फिर इस दहलीज पे कदम रखा। फिकर मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। दोनों तरफ के गवाहों के बयानात सुनने के बाद और तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राज ने जुर्म किया है और वो कानून का मुजरिम है। लेकिन कानून से पहले वो माला का मुजरिम है,
जिसकी जिंदगी को उसने तबाह कर दिया और समाज में इज्जत से जीने का हक उससे छीन लिया। लिहाजा ये अदालत मुलजिम राज को यह हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। लिहाजा ये अदालत मुलजिम राज को यह हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को नहीं अपनाऊंगा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जाओ, जरूर जाओ। आज तो हम सिर्फ इस शहर में बेइज्जत हुए हैं, कल हमें सारे मुल्क में बेइज्जत करो और परसों सारी दुनिया में, ताकि वो लोग जिनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी इस हवेली की तरफ आंख उठा के देखने की, घर में घुस आए और हमारे मुंह पे थूके। तो क्या मैं दुनिया की परवाह करूं, अपनी जिंदगी की नहीं? उस मामूली लड़की से शादी कर लूं मैं? अब वो एक मामूली लड़की नहीं रही, अखबारों की सुर्खियां बन गई है वो, इस शहर के हर आदमी की बेटी बन चुकी है वो। तुम्हारी भलाई बस इसमें है कि तुम कोर्ट का ऑर्डर मान लो और उस लड़की से शादी कर लो, वरना ये घर तबाह हो जाएगा। मैं आपके लिए 7 साल की सजा काटने के लिए तैयार हूँ, मगर उस लड़की से मैं हर की शादी नहीं करूंगा। जिस लड़की ने सुबह का सूरज तक न देखा हो, जिसे किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश तक न करनी पड़ी हो, उसे क्या मालूम कि जेल की कोठरी क्या होती है, उसका अंधेरापन कैसा होता है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं 7 साल की सजा काटूं, तो क्या उम्र भर की सजा भुगतूं उस लड़की से शादी करके, अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? शादी तुम करोगे, लेकिन अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए। हम समझे नहीं बहू। बाबूजी, अदालत से उसने अपने लिए जिंदगी नहीं, मौत मांगी है। इतने जुल्म और सितम ढाऊंगी कि इस हवेली की बहू बनने का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः।